विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा। जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। और आप लोगों का नवयुवक लोगों के साथ जैसे मिलकर के काफ़ी लग रहा है कि हमें भी एक वही उत्साह की भावना आ गई है। और मैं जो बुक लिखा हूँ वो बुक भी काफ़ी मोटिवेशन पे बेस्ड है। आप लोग पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। आने वाले सार्थक रूप से लोकतंत्र हो पाया था और ये लोकतंत्र आप जैसे जवानों के हाथ में है और भविष्य है आप देश का। खेलते हुए देख के आपको अच्छा लगा। स्पोर्ट्स आपको एक अच्छा नागरिक बनने में हमेशा मदद करता है क्योंकि सही गलत का फैसला आपको लेना होता है। और खेल में आप लोग देख ही रहे थे कई जगहों पर विवाद हुआ पर आपने बहुत सौहार्दपूर्ण और सही तरीके से उसका निर्णय लिया। लोकतंत्र भी यही कहता है कि आप लोग मिल बैठ के अपना अच्छे से डिसीजन लीजिए। तो लोकतंत्र को आगे बढ़ाना है। हमारे देश के युवा आप लोग हैं, आप लोगों के हाथ में देश है। और बहुत अच्छा लगा मुझे भी यहाँ आकर के। बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात हुई, उद्या जी से मुलाकात हुई, कीर्ति जी से मुलाकात हुई। सर्वे जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमें भी सम्मान दिया आपने और सरकार की तरफ से भी आपको बहुत बहुत सम्मान। और मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ क्योंकि आप सब लोगों के चेहरे के ऊपर जैसे ब्रह्म तेज होता है ना ऐसे खेल का तेज है, तो बड़ा अद्भुत है ये खेल का तेज। और मैंने उसको बड़ा अच्छे से देखा भी, आप लोगों ने जो है खेला है और इसी तरीके से जो है आप लोग मिलजुल के जो है खेला कीजिए। जीवन में भी जो है ऐसे ही जो है अगर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हो जाए तो जीवन बड़ा आनंदित हो जाएगा। आप लोग सब साथ में मिलजुल के खेलते हैं तो मुझे बहुत आनंद लगता है। I'm telling you, nothing like it. Sports is a very healthy thing for a person, for an individual person.
Anyway, I wish you all the best to everyone and every success in your life, Peter. I may meet, I may not meet next time. I don't know. Once again, Sarvesh, for calling me over here to grace your occasion. I wish you all the best and every success to you and to everyone over here. Thanks a lot. दिवस है, यही दिवस के लिए बहुत सारा ने अपना बलिदान दिया, शहीद हुए, उनको नमन करते हुए आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आए हुए, आप सभी बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चाहता हूं कि ऐसे ही कार्यक्रम का आयोजन चलता रहे और हम लोग इसी तरह इस आज़ादी का जश्न इस तरह से मनाते रहें जैसे मना रहे आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं इतना खुश हूँ, मैं बाकायदा जो है बावला हो गया हूँ यहाँ पे आके। इतने इतने एक टीम के अंदर इतने अच्छे अच्छे लोग, हीरे मोदी कहाँ से चीज़ मिला है। अकेले में उसकी बात की थी क्रिकेट खेलने का, तो कई सालों से रूटीन खराब, रात में जगने का, सुबह उठने का नहीं, तो हम दो लोग खेले, दो से तीन जुड़े, तीन से चार, उसके बाद पूरी टीम आ गई। उसके बाद में सबका भी रूटीन सही हो गया, सब लोग मॉर्निंग में जगने लगे, हम लोग 7:30 यहाँ पे आ जाते हैं, फिर हम लोग एक घंटा मैच करते हैं, फिर बैक टू। मैं तुम्हारी तरफ से जो है, मैं यहाँ के लखनऊ यहाँ के बम्बई के और खास करके वर्सोवा के सब लोगों से अपील करूँगा कि इन्होंने सर्वेश जी ने जिस तरह से इस टीम को जो है सुबह उठा के बीच में इकट्ठा किया, ऐसे आप लोग भी सर्वेश जी को जो कीजिए और इकट्ठा होइए और समुंदर के ऊपर आप देखिए कि कितना जो है अच्छे अच्छे लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं और आनंद लेते हैं जीवन। बहुत सुंदर, मैं बहुत खुश हूँ आपसे। मैं बनेगा इतनी खूबसूरत टीम चुनने वाला आदमी कौन है भैया, बहुत बहुत अच्छा। गॉड ब्लेस, खुश रहिए, नौशाद खुश रहो भैया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने गिरगांव में प्रीमियर लीग प्रतियोगिता का उद्घाटन किया, क्रिकेट का बल्ला उठाकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। गणतंत्र दिवस के मौके पर मुंबई के वर्सोवा बीच पर फहराया गया तिरंगा, कार्यक्रम में फिल्मी हस्तियां भी मौजूद रही, समंदर के किनारे क्रिकेट मैच भी हुआ।